दोस्तों स्वागत है हमारे आज के वीडियो में दोस्तों। और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी दोस्तों हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया जोश पैदा करेगी हमारे अंदर। तो इस कहानी को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिए। तो बिना देरी के दोस्तों एक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़का था जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करता था, गांव में रहता था अपने घर में, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वह सोचता था कि मैं एक दिन कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कुछ नया करूंगा। उसकी सोच बड़ी थी, लेकिन दोस्तों उसके जो गांव वाले थे वह उसे ताने मार मार कर परेशान कर देते थे। जब वह लोगों से कहता था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा तो लोग उस पर हंसते थे, तो बोलते थे कि तू क्या बड़ा करेगा, तेरी घर की स्थिति खराब है तो तू क्या बड़ा कर लेगा जिंदगी। उसे ताने मारा करते थे लोग, उस पर हंसा करते थे, उसके मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों वह लड़का थोड़ी देर के लिए निराश हो जाता था, लेकिन उसके अंदर बड़ा करने का जुनून था, कुछ नया करने का जुनून था। दोस्तों वह खेलने में बहुत माहिर था। तो एक बार उसके गांव में एक खेल प्रतियोगिता हुई जिसमें उस लड़के ने भाग लिया और अव्वल स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट रैंक पर आया। और जब वही खेल दोस्तों राज्य में होने वाले था, पूरे राज्य में होने वाला था, पहले तो वह खेल दोस्तों गांव में हुआ और वही खेल दोस्तों राज्य में होने वाला था। और दोस्तों जिस गांव में लड़का रहता था उस गांव की तरफ से उस लड़के को चुना गया। और जब वह लड़का उस खेल में जाने वाला था, उससे पहले लोगों ने कहा वहां तुमसे बड़े बड़े लोग आएंगे, ये तो गांव की बात थी, तो तुम जीत गए, लेकिन वहां बड़े बड़े लोग आएंगे जो कि तुमको चुटकियों में हरा के रखते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वह लड़का निराश नहीं हुआ। उस लड़के ने दोस्तों लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। जब खेल शुरू हुआ तो थोड़ी देर के लिए तो वह लड़का डराया, उसको डर लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे जीत के दिखाना है। तो जब उस मुकाबले का उस खेल का रिजल्ट आया दोस्तों, तो रिजल्ट यह आया कि वह लड़का पूरे राज्य में प्रथम आया, फर्स्ट आया, अव्वल आया। तो उस लड़के को दोस्तों इनाम के रूप में 20 लाख रुपए दिए गए। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो वह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, केवल हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारी सोच बड़ी होगी, हमें हमारे अंदर जुनून होगा कुछ बड़ा करने का, तो हमें दोस्तों हमारी परिस्थितियां कभी रोक नहीं सकती। और हमें दोस्तों लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है, लोगों का ताना मारने का काम है, लोग हमें ताना मारेंगे, हमें मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना है और हमें एक दिन हमारा लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी और भी कहानी में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।